In this module, we will discuss the transposition in maize in continuation with our previous uh, module, and we found out in the previous module that what are the different effects of the mutations and how the mutations are reversed. or maize kernel maize kernel meal. Ke मकई का जो दाना है मकई का जो सिट्टा है उसका कलर और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको वो किस तरह चेंज करता है नो इन द मेज कर्न द वन थिंग इज दैट द वाइल्ड टाइप कर्नल हैज़ एन एक्टिव सी लोकस ये डिस्कवर्ड है कि सी लोकस जो है जो कि जीन है वो वाइल्ड टाइप में वाइल्ड टाइप कौन से होगा जो कि कलरलेस होगा एंड डैट काज सिंथेसिस ऑफ पर्पल पिगमेंट उसमें जो सी लोकस है वो पर्पल पिगमेंट जो है वो सिंथेसाइज़ करता है वो पर्पल रंग के दाने आपने अक्सर देखा होगा कि जो uh, मकई या इसका जो कर्नल है इसका जो सिट्टा है इसमें बाज दफ़ा यू विल फाइंड देर आर डिफरेंट कलर्ड ग्रेन्स विच आर ऑन दैट एंड दैट्स ड्यू टू दिस द सी लोकस हैज़ म्यूटेटेड जब ये म्यूटेट हो जाता है जब ये चेंज हो जाता है तो इट प्रिवेंट्स द पिगमेंट सिंथेसिस जो पिगमेंट है उसका सिंथेसिस सी लोकस म्यूटेशन के बाद बंद कर देता है सो द कर्नल बिकम द कर्नल अब जो वाइल्ड टाइप है दैट इज द पिगमेंटेड बट द वेन इट चेंजेस जब इसका जो है सी लोकस म्यूटेट हो जाता है तो वो कलर जो है कलर सिंथेसिस उसको रोक देता है or uska grain hai, that becomes colorless and we can see that what happens that the, with the c locus usme wo jo hai, wo mutate ho hai, wo change ho hai. the spots hai, those spots they correspond to the patches of the cells in which the mutation in c has reversed जब इसमें स्पॉट आते हैं तो इसका मतलब है वो वो पैचेज हैं वो वो हिस्से हैं जिनमें क्या हुआ कि सेल के जो हैं सी लोकस जो है वो रिवर्ट हो गया है एंड अगेन अलोइंग पिगमेंट सिंथेसिस दैट इज द पिगमेंट सिंथेसिस इज द वाइल्ड टाइप ये उसकी वाइल्ड टाइप है जो कि उसमें होता है जस्ट एज दिस यू कैन सी दैट इन द मिडल देर इज द कलरलेस देर ऑन द राइट There is the pigmented, which make a spots, hain, and extreme, which right is That is the one which is the wild type. Its color is fully synthesized, and it is not reverted. In the next slide, as a matter of fact, the transposable elements, dissociation element, and activator. जो कि मेज़ में हैं मकई में हैं देड डेट इज द डिसोसिएशन एलिमेंट ये इट कैन ट्रांसपोज ऑन इट्स ये बजात खुद नहीं ट्रांसपोज हो सकता और इसको क्या चाहिए इट मस्ट हैल्प फ्राम एन अटोन ट्रांसपोजोन एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोजोन जिसको हम एक्टिवेटर कहते हैं एंड ए सी सप्लाईज ट्रांसपो ट्रांसपोजेज डी एस इज एन ए सी आर एक्टिवेटेड एलिमेंट विद द मोस्ट ऑफ इट्स मिडल रिमूव इसका जो मिडल पार्ट है दैट इज रिमूव एंड इट डज द ट्रांसपोजोन नो डी एस और डिसोसिएशन एलिमेंट इसकी क्या जरूरत है इट नीड्स ए वन ए पेयर ऑफ इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं एंड देन एडजशन शॉर्ट सिक्वेंसेस इसके साथ मुल्ह का छोटे सीक्वेंसेज हैं दे इसकी जरूरत है और छोटे सीक्वेंसेस दैट इज द एक्टिवेटेड ट्रांसपोजेज कैन रेकग्नाइज इट ये जो एक्टिवेटेड ट्रांसपोजेज है इट कैन रेकग्नाइज दैट एडज शॉर्ट सीक्वेंसेस एंड इट स्टार्ट फंक्शनिंग नो थ्री फॉर्म्स ऑफ डिसोसिएशन एलिमेंट्स आर That activator resembles the bacterial transposon, bacteria mein hai, unko ye resemble karte. Remember, we discovered when we said that the transposon they were first discovered in the bacteria. Now it is about 4,500 base pair long and contain a transpose gene. It has gene that enzyme. ट्रांसपोजेस को सिंथेसाइज़ करता है एंड इज बाउंडेड बाय द शॉर्ट इम परफेक्ट रिपीट्स इन्वर्टेड रिपीट्स जो हैं वो उसको बाइंड करते हैं एंड एडजेशन जो है सब टर्मिनल डेपटेटिव रिजन दैट बाइंड ट्रांसपोजेस जो कि अगेन जो एंजाइम है ट्रांसपोजेस उसको वो बाइंड करते हैं फॉर द फंक्शन नो इन दिस Figure that has been clearly demonstrated. For example, you see initially we have a wild type maize kernel that synthesis of purple pigment. Ye, purple pigment, which is a wild type. Uske baad kya hota hai? That activator DS element, which is the red upper, it inserts into the C, inactivating it and preventing pigment. सिंथेसिस ये उसके साथ मिल जाता है और पिगमेंट सिंथेसिस को रोक देता है क्लियरली बट वट हैपन्स आल्सो द एक्टिवेटर दैट इज द ग्रीन इन द एक्सट्रीम राइट पिक्चर वट हैपन दट एक्टिवेटर एंड द डी एस दे बोथ आर प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट इन द कर्नल एंड दिस अलाउज डी एस टू ट्रांसपोज आउट ऑफ सी इन मैनी सेल्स सेल्स में कहीं कहीं वो सिंथेसिस रह जाता है और कहीं कहीं नहीं रहता इस वजह से ये स्पॉट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ द म्यूटेशन इन दैट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसोसिएशन एलिमेंट्स दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टिवेटर बाय डिलीशन यानी जब डिलीश एक्टिवेटर जो है वो डिलीट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसोसिएशन एलिमेंट्स जो हैं वो उसको टेक ओवर करते हैं एंड डी एस ए फॉर एग्जाम्पल बहुत इज वेरी सिमिलर टू द एक्टिवेटर एक्सेप्ट डेट ए पीस ऑफ ट्रांसपोजेसिस जीन हैज बिन डिलीटेड ये बहुत सिमिलर है लेकिन इसमें क्या होता है जिस तरह हम पहली जो है पिक्चर में देखा कि उसमें पीस ऑफ ट्रांसपोजेज जीन वो जो है वो रिमूव हो जाता है वो डिलीट हो जाता है एंड दिस एक्सप्लेन वाई डी एस इज अनएबल टू ट्रांसपोज कि क्यों डी एस जो है डिसोसिएशन एलिमेंट जो है ये अपने आप को ट्रांसपोज नहीं कर सकता अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता और इस तरह ये रुक जाता है Now DSB is more severely shortened. The second form is dissociation B, which is very small and retains only a small fragment of transposase gene, which is a small fragment. The transposase gene is a transposase, which an enzyme that transposes it. And DSC, it retains only the inverted repeats. अब आप देखें कि डी एस सी जो है डिसोसिएशन सी जो है उसमें इन्वर्टेड रिपीट होते हैं एंड ट्रांसपोजेस बाइंडिंग सब टर्मिनल रेपीटेटिव रीजन इन द कॉमन विद द एक्टिवेटर ये डिसोसिएशन सी जो है ये किसमें होता है कि एक्टिवेटर के साथ जो है उसके साथ रेपिटेटिव रीजन में कंबाइन हो जाता है